जैसे नचाओगे नाचूंगी, मेरे जीवन पर तुम्हारी ही मेहरबानी। कठपुतली हूँ मैं तुम्हारे हाथों की, तुमने मेरी कदर नहीं पहचानी, तुमने मेरी कदर नहीं पहचानी। नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी सिलेबस जो आपका है उसी की कविता है कठपुतली। तो इसमें कठपुतली के मनोभावों को प्रस्तुत किया गया है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अक्षरांश आप मेरे साथ बने रहिए। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉकडाउन में आपका विद्यालय कम ही लग पाया है। तो आपका सिलेबस मैं निरंतर रूप से करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार है वो मुझे देते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो भी बताइएगा, नहीं लगता है तो भी बताइएगा। तो देखिए, ये आपकी कठपुतली कविता है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। ये भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत सुंदर सी कविता है। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे, तो आइए व्याख्या करते हैं इसकी। पहले कठपुतली कविता का भावार्थ हम पढ़ लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो जीवन परिचय है, हिंदी के बहुत ही महान लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी लेखक और कवि हैं। 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में पैदा हुए थे। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लिखने में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। अब जो आपकी कठपुतली का सारांश है, कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागे से में बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़ करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उनकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। विद्यार्थियों, ये कविता जो है लिखी गई थी हमारी गुलामी के समय, जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों की कठपुतली थे। जिस तरह से वो हमें नचाते थे, हमें नाचना पड़ता था, बहुतेरी यातनाएं जो है हमारे ऊपर की जाती थी। तो देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के हाथों में बंद करके नाचने से परेशान हो गई है। अब वह सारे धागे तोड़ करके स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कहती है कि मेरे आगे पीछे बंधे सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंद करके नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है। अब सुनकर बोली और यहाँ और से आशय है दूसरी जो बाकी कठपुतलियाँ हैं, और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं।
पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर के अन्य कठपुतलियां भी उसे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है, काफ़ी दिनों से यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति अंग्रेज़ों की गुलामी को सहन करते कर रहे थे, तो माना कि कवि के भावों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों की गुलामी सहते सहते हम अब तक जो है बेचैन हो चुके हैं, अब हमारे बंधन है वो खोल दिए जाए, हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो देखिए यहाँ संशय है, संदेह हो गया है कि कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है, जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वह सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियों में इन्हीं भावों को, मनोभावों को समर्पित हैं। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कठपुतली कविता के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।